Dear friends, I am Dr. Rajesh Gupta. I am Additional Director in Department of Pulmonology and Critical Care in Fortis Hospital, Noida. दोस्तों एनसीआर में जैसे ही कोरोना की दस्तक हुई है काफी हलचल मच गई है, इसलिए कोरोना के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस बाकी सभी रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरसेस की तरह है, जिसके पहले भी कुछ प्रजातियां हमें मालूम है। नया वायरस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक नया कॉम्बिनेशन है जिसको हमारा शरीर पहचानता नहीं है, इसलिए वो उससे लड़ने में सक्षम नहीं है। कोरोना वायरस जिसका शुरुआत में आउटब्रेक चीन से हुआ और वो अभी दुनिया में काफी शहरों में फैल चुका है, काफी देशों में फैल चुका है, इसके बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। हमें ये जानना जरूरी है कि ये वायरस कैसे फैलता है। जब भी कोरोना वायरस से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता है तो उसके 3 फुट के दायरे में उसके सेक्रीशंस बाहर निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस एरिया में है तो उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन होने का रिस्क होता है। इसके अलावा जब ये ड्रॉपलेट्स नीचे किसी भी सतह पर गिरते हैं, जैसे टेबल, रेलिंग, फ्लोर, तो वहां पर वो कुछ समय के लिए रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उस सरफेस को छूकर और फिर उसे अपने मुंह, आंख, कान, नाक में लगाए तो वहां से ये वायरस बॉडी में एंट्री पा सकता है। इसलिए यही हमें फायदा देगा समझने के लिए ट्रांसमिशन, इससे बचाव के लिए। तो इससे बचाव के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले हम कोई भी व्यक्ति अगर खांस रहा है तो कोशिश करें कि हम उसके 1 मीटर के दायरे में ना हो। खांसने वाले व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने रुमाल में या टिश्यू पेपर में खांसे, और अगर रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं हो तो एक अपनी स्लीव में खांसे ताकि ये ड्रॉपलेट्स ज्यादा दूर तक स्प्रेड ना हो। इसके अलावा हम बचाव के लिए किसी भी सरफेस को हम अन्यथा टच ना करें। अगर हम छूते भी हैं तो हम तुरंत साबुन से हाथ धोएं, 20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। हम एक दूसरे से टच और फिजिकल कांटेक्ट जहां तक अवॉइड हो सके करें। भीड़भाड़ वाली जगहों में बचने की कोशिश करें। अगर हम किसी सरफेस को टच करते हैं तो तुरंत साबुन से हाथ धोएं, बिना रिक्वायरमेंट के या अपने मुंह, नाक या आंख में हाथ लगाने से पहले हाथ साबुन से जरूर धोएं। इसके अलावा हम स्वस्थ खाना खाएं और स्वस्थ रहें तो हम इस वायरस से काफी हद तक बच सकते हैं। इस वायरस के ज्यादातर लोगों पर लक्षण बहुत ही माइल्ड है। 80% पेशेंट्स बहुत ही कम सिम्टम्स के साथ खुद रिकवर कर गए हैं। इंडिया में भी अब तक जो केसेस रिपोर्टेड थे उनमें से कोई सीरियस केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये आशा की बात है कि आगे भी वो ठीक हो जाएंगे। कोरोना के बारे में जो मिथ्स हैं कि ये पेट से फैलेगा या नॉन वेजिटेरियन फूड से फैलेगा, ये अभी तक एस्टेब्लिश नहीं है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि मास्क लगाने से क्या फायदा होगा, तो WHO ने अभी तक सबको मास्क लगाना रिकमेंड नहीं किया है। WHO रिकमेंड करती है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, मरीज जिनको कोरोना वायरस पाया गया है या उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ रहते हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं, उनको मास्क का इस्तेमाल करना है। इसलिए मेरा संदेश ये है कि हम सजग रहें, सतर्क रहें, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं। हम सब मिलके कुछ एहतियात बरतेंगे तो सब मिलकर कोरोना वायरस पर विजय जरूर पाएंगे। थैंक यू।